अपन मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं एकदम चीप वे में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए दो सरप्राइजेस है। पहला तो सरप्राइज है ये अपनी बाइक, और दूसरा ये अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। होल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर ऑन द वे मिलते हैं। तो ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ वो है थंडरबर्ड 350X BS4 एडिशन वाली है, रेड एंड ब्लैक कलर में। तो बाइक के बारे में हम कभी और बात करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है मेरा मोबाइल मोटो व्लॉगिंग सेटअप। ये एक बजट सेटअप है जो मैंने किया है मेरे हेलमेट पे माउंट वगैरह करके। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप जाके ये जो दो अनबॉक्सिंग क्विकली देख लो, उसके बारे में हम करते आगे की बातें। तो ये है वो दो प्रोडक्ट जिसकी अभी हमको अनबॉक्सिंग करनी है। तो पहले इसको रखते हैं साइड में, आपको अब तक का स्टेटस बताते हैं। तो ये है मेरा हेलमेट, तो इस पर आपको माउंट करना है आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप। जैसे आप देख सकते हैं इस पर ऑलरेडी दो यूनिट्स इंस्टॉल्ड है। वो दो यूनिट कौन से है? एक तो है ये चिन माउंट और दूसरा है ये जे माउंट। चिन माउंट है ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 500 रुपये में, और ये जे माउंट आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे कुछ 200 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। तो अभी कैसा है ना, अगर ये आपको 500 रुपीज़ का थोड़ा महंगा पड़ रहा है, आपका बजट अगर इतना नहीं है, तो आप एमसील या बॉन्डटाइट से काम चला सकते हैं। वो आपका 5000 रुपये में काम चल जाएगा। और रही बात जे माउंट की, उसके लिए 200 रुपये आप खर्चा कर सकते हैं। ये मैंने पहले कुछ खरीदा था 700 रुपीज़ में, अभी इसकी प्राइस एकदम लो हो गई है। गुड टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट। एमसील में थोड़ा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी होता है, बट इसमें आप कितने भी स्पीड में चलाओ कुछ नहीं होगा। तो आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ दिस। तो ये है अपना पहला प्रोडक्ट जिसको हम अभी अनबॉक्स करने वाले हैं। इसका नाम है एक्शन प्रो पोल माउंट सॉफ्ट टॉप कैमरा। इसको हम गोप्रो एडाप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना अनबॉक्सिंग नाइफ, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज ये है वो, आपको प्लास्टिक से खोल के बताता हूँ। अपने कैमरा को यानी मोबाइल फ़ोन को जे माउंट पे माउंट करने के लिए ये मिला है मुझे फ्लिपकार्ट में 199 रुपीज़ में। तो ये था अपना पहला अनबॉक्सिंग, अभी देखते हैं इसको हम कैसे फिट कर सकते हैं। ये रहा अपना हेलमेट जे माउंट के साथ, आपको ये स्क्रू मिलेगा माउंट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। गोप्रो एडाप्टर जिसको अभी अपन ने अनबॉक्स किया को जस्ट इसमें फिट करेंगे ऐसे। तो जैसे अंदर फिट होएगा इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे, अभी ये मूव नहीं होएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से लॉक एंड फिट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना ये है, ये है मोबाइल माउंट जो अपन माउंट करेंगे अपने हेलमेट के ऊपर। ये अमेजोन पे मैंने कुछ 249 रुपीज़ में लिया था। चलो इसको भी अभी अनबॉक्स करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अपना माउंट, चलो इसको बाहर निकाल के देखते हैं। काफ़ी हैवी वाला है इसलिए 249 रुपीज़ का है, और क्वालिटी भी बहुत सही है इसकी, क्योंकि ऑफ कोर्स अपन हेलमेट पे माउंट करने वाले तो क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज ये सीधा खतरा देने वाला है अपने मोबाइल फ़ोन को अगर ये अच्छे क्वालिटी का नहीं हुआ। तो कीप दैट इन माइंड। 250 वाला जो मैंने लिंक में दिया वो वाला ही बाय करना। तो गाइज ये है अपना प्रोडक्ट, एक्शन प्रो की ब्रांड का है, सॉलिड है, एकदम स्टर्डी है। बताता हूँ कि इसको कैसे हेलमेट में फिट करना है, और उसके बाद में वहाँ पे हम कैसे मोबाइल लगा के मोटो व्लॉगिंग करेंगे। शॉर्ट्स तो आपने स्टार्टिंग में देख लिए कैसे है, अब आप देख लो कि इसकी फाइनल फिटिंग कैसे होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको दो तरह से माउंट कर सकते हो, कि यहाँ से और एक यहाँ से। अगर ऐसे आप माउंट करोगे तो थोड़ा हाइट मोबाइल का ऊपर होएगा, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका ऐसा है, यहाँ पीछे के साइड से इसको थोड़ा लूज करो और इसको ऐसा करके ऐसा सेट करो और फिर यहाँ से माउंट करो। ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पर तो मोबाइल माउंटेड रहेगा और यहाँ से मिलेगा उसको थर्ड सपोर्ट। ये मोस्ट प्रेफरेबल मैं बोलूँगा और सजेस्ट भी करूँगा, ऐसे माउंट करो। जस्ट इसको लूज करना है फिर, एंड आपका जो फ़ोन है उसको इसके अंदर ऐसे प्लेस करना है और टाइट करते जाना है, बस। इजी है, वो जो स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला रहता है वो चीप होता है और इतना स्टर्डी भी नहीं रहता। बिलीव मी गाइस, बहुत स्टर्डी क्वालिटी का है ये जो माउंट है।
जितना भी हो ये मोबाइल का वजन होल्ड कर सकता है। भले आपका 200 ग्राम का भी फोन हो, ये वाला जो माउंट है वो होल्ड कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो ऐसे कुछ अपना मोबाइल इस पे माउंट हो चुका है। अभी जस्ट हम इसको हेलमेट पे माउंट करेंगे उस स्क्रू में और आपको फाइनल सेटअप दिखाएंगे इन अ मिनट। तो गाइज ऐसे करके फिट हो चुका है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। काफ़ी स्टर्डी है जैसे कि आप देख सकते हो, ये जस्ट अभी हिल रहा है, बस मेरे को ये थोड़ा टाइट करना है। अपन मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं एकदम चीप वे में। इसका व्यूज़ तो आपने देख लिया सेटिंग में, नहीं याद कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो। तो आई होप गाइज आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पूरा डिटेल में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स। अगर समझा होगा फिर भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर से। तो गाइज आप भी वाले सेटअप में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब अपन ऐसा सेटअप करते हैं ना तो हेलमेट जब अपन पहनते हैं तो मोस्टली ऐसे रहता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द आपका जो विजन है वो टैचोमीटर पे ही रहेगा और बाहर का कुछ व्यू आपको नहीं दिखता होगा इतना ज़्यादा, मतलब वाइडर एंगल। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, सेकेंड वे ऑफ माउंटिंग है, वो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो है ना इसको ऐसे करो, अब यहाँ पर जब आप मोबाइल सेट करोगे ना, मतलब इसको अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा ऐसे, क्योंकि हेलमेट ना जब आप पहनते हो ना तो मोस्टली ऐसे होता है, तो इसीलिए जब वो पहले वाले माउंट में नीचे वाला ही व्यू दिखता है, इसमें थोड़ा ऊपर वाला व्यू दिखता है और आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कितना ऊपर चाहिए और कितना नीचे। तो इसके भी मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं वो आप देखो। और शॉर्ट्स मेरे को मोटो व्लॉगिंग के दिखाने थे, हालांकि मैं ट्रिप प्लान करूंगा, भले शॉर्ट राइड हो उसमें अपन प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग करेंगे, तभी हम और डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहाँ पर ही मोटो व्लॉगिंग के साथ ख़त्म करते हैं। सो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कोई बढ़िया सा कमेंट दे दो अगर आपको पसंद आया होगा अभी का वीडियो। टिल देन दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ।